लखनऊ से खबर की बात करेंगे। यूपी बीजेपी में मंथन को लेकर बीजेपी में आज सुबह 10 बजे से होंगी बैठकें। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष करेंगे बैठक। प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल रहेंगे इस बैठक में मौजूद। इसके साथ ही साथ प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी रहेंगे बैठक में मौजूद। यूपी बीजेपी में मंथन लगातार जारी है। पिछले काफी दिनों से हम भाजपा के उत्तर प्रदेश के कार्यालय के साथ ही साथ दिल्ली भाजपा कार्यालय में भी लगातार बैठकों के दौर को देखते आए हैं। जिस तरह से ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति को लेकर मंथन लगातार जारी है। पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे बीएल संतोष। उसी कड़ी में यूपी बीजेपी में लगातार आगामी 2022 के चुनाव को लेकर मंथन के साथ ही साथ राज्य की स्थिति की समीक्षा भी की जा रही है। किस तरह से कोरोना काल के दौरान सरकार का प्रदर्शन रहा है, साथ ही साथ संगठन और संगठन के तमाम पदों में बदलाव करके किस तरह से आगामी चुनाव में इसका फायदा लिया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पर विषयों पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता उमेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। जी उमेश, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि लगातार भाजपा में जिस तरह से बैठकों का दौर हमने देखा है, पिछले काफी दिनों से महीने भर से ये बैठकों का दौर चल रहा है, ऐसे में नई नई बातें निकलकर सामने आती है, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि पद के फेरबदल को लेकर ज्यादा कुछ भाजपा से निकलकर सामने आने वाला नहीं है फिलहाल के दिनों में, लेकिन बैठकों का दौर अभी भी लगातार जारी है। बीएल संतोष एक बार फिर से पहुंचे हैं, राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ सुनील बंसल भी इन बैठकों में मौजूद रहेंगे। क्या कुछ मुख्य बिंदु हैं बैठकों को लेकर, क्योंकि काफी लंबी चलने वाली हैं ये बैठकें? देखिए बिल्कुल, बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर 10 बजे से बैठक सुनिश्चित की गई है। इसमें जो राष्ट्रीय संगठन के पदाधिकारी हैं बी एस संतोष मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के संगठन के मंत्री हैं सुनील बंसल मौजूद रहेंगे, उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह भी रहेंगे। तो ये माना जा रहा है 2022 का जो चुनाव है उसके लेके बीजेपी का ये जो मंथन है, ये चाहे केंद्र में देखा गया हो या उत्तर प्रदेश में, लगातार उत्तर प्रदेश में बैठकें हो रही है। संगठन सरकार और जो पार्टी के पदाधिकारी है उनके साथ समन्वय बैठा कर 2022 की रणनीति को लेकर यह बैठक हो रही है और काफी अहम ये बैठकें मानी जा रही है। जिस तरह से अब संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष का जो पद है वो शर्मा जी को दिया गया है, जो आईएएस थे जो वहां से केंद्र से उनको भेजा गया था। तो अब ये संगठन की जो चीजें हैं, ये जो बैठकें हो रही हैं, ये कहीं कहीं 2022 के चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जिस तरह से लगातार संगठन सरकार और पदाधिकारी समन्वय बैठाकर 22 का जो आने वाला समय है 2022 में, उसमें पार्टी अच्छा प्रदर्शन चाहती है। और शायद यही वजह है कि जो बैठकें हो रही हैं, बैठकें इसी वजह से हो रही हैं कि संगठन और सरकार और ये जो ढांचा है संगठन का सरकार के बीच का, कि ढांचे को मजबूत किया जाए, संगठन के लोगों को मजबूत किया जाए। लगातार जो संगठन के लोग हैं और जो पदाधिकारी हैं वो असंतुष्ट दिखे थे, इस तरह की खबरें आई थी, लेकिन शायद यही वजह है कि संगठन और सरकार एक साथ बैठकें जो हो रही है, इससे कहीं कहीं सरकार और संगठन के बीच एक समन्वय बेहतर स्थापित हो, जो 2022 का इलेक्शन है उसमें बेहतर परिणाम मिले बीजेपी को, इसको लेकर यह बैठक की गई है। हालांकि जो अभी फेरबदल की बातें हैं और तमाम सरकार में, कैबिनेट में, राज्य मंत्री में ये बातें आ रही थी कि लोगों को नया प्रभार मिलेगा, नए चेहरे होंगे, लेकिन अभी बहरहाल ये सब कुछ घटनाक्रम होने में थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है। लेकिन हाँ, इतना तय है कि कुछ ना कुछ तो परिवर्तन सरकार जरूर करेगी। सरकार अपने कैबिनेट में कुछ ऐसे नए चेहरे को जगह देगी जो पार्टी और पार्टी के लिए अच्छा साबित हो। हालांकि इसकी कवायद अभी इतनी जल्दी नहीं होने वाली है, लेकिन जिस तरह से जो कैबिनेट मंत्री के पद खाली है उसको भरा जाना है, तमाम निगम आयोग के पद खाली है उनको बीजेपी को भरना है, तो ऐसे में चुनाव से पहले बीजेपी ऐसे लोगों पे पद की और जिम्मेदारी देगी जो बीजेपी के लिए फायदेमंद हो। आने वाला जो 22 का इलेक्शन है 2022 में, उसमें पार्टी के लिए बेहतर परिणाम निकले, इसको लेकर ये कवायद की जा रही है।
जी, इसके अलावा उमेश जिस तरह से बैठकों का दौर जारी है, साथ ही साथ केंद्र सरकार में भी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, तो क्या इन बैठकों में से कहीं ये भी निकलकर सामने आ सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से कोई केंद्र की ओर आगे बढ़े? ये अभी कह कुछ पाना जल्दबाजी होगा कि किसको उत्तर प्रदेश से यहाँ से निकालकर केंद्र में जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन इतना तय है कि सरकार के जो कैबिनेट में, उत्तर प्रदेश कैबिनेट में जो जगह खाली है इसमें भरे जाने हैं। केंद्र में भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि केंद्र में कई मंत्रियों को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है मोदी कैबिनेट में, इस तरह की सिर्फ अटकलें लगाई जा रही। हालांकि इस पे काम होना है, ये सूत्र बताते हैं, पार्टी के जो सूत्र है वो कहते हैं कि परिवर्तन होना तय है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। लेकिन अब जिस तरह से पार्टी संगठन सारे लोग 2022 की तैयारी की पूरी जो रूपरेखा है वो देखी जा रही है, जिस तरह से बैठकें हो रही हैं, चाहे वो संगठन के ढांचे को मजबूत करना हो, पार्टी संगठन को मजबूत करना हो या पदाधिकारियों को मजबूत करना हो, ये पार्टी की जो कवायद है, पार्टी अब इसमें जुट गई है कि आने वाला जो वक्त है 2022 का जो चुनाव है उसमें पार्टी को बेहतर परिणाम। जी, इसके अलावा उमेश जिस तरह से जानकारी लगातार चल रही है और बैठकों का दौर जारी है, साथ ही साथ सूचनाएं ये भी आ रही हैं कि तमाम भाजपा के जो नाराज नेता रहे होंगे, जिनको पिछले किसी मुद्दे से नाराजगी रही होगी, एक बार फिर से उन्हें साधने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जब संगठन को मजबूत करने की बात आती है तो नए कार्यकर्ताओं के साथ ही पुराने कार्यकर्ता जो लंबे समय से भाजपा के साथ जुड़े हैं उनको भी कहीं ना कहीं खुश करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, साधने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या ऐसे कोई नाम सामने आ रहे हैं जहां पर किसी की नाराजगी दूर करके उसको एक बार फिर से अच्छा पद देकर भाजपा की के संगठन को मजबूत बनाने का काम किया जा रहा हो? देखिए, पार्टी में रह के कोई नाराजगी नहीं जता सकता, सामूहिक या कहीं बयान नहीं दे सकता, लेकिन ये बात सही है कि पार्टी में कुछ तो अनबन है। तमाम ऐसे संगठन के लोग हैं, तमाम ऐसे विधायक हैं जो जरूर नाराज थे, इस बात की पूरी तरह से जानकारी लगभग लगभग सबको है, लेकिन कोई मंच पे बोलेगा, बयान देगा, हम नाराज हैं, इस तरह की बात नहीं है, लेकिन नाराजगी है, ये बात एकदम बिल्कुल 100% सत्य है। और शायद इस नाराजगी को खत्म करने के लिए सरकार और संगठन समन्वय बैठाकर पूरे मामले को बिल्कुल व्यवस्थित करना चाहते हैं, और जो भी नाराजगी संगठन या लोगों की या विधायकों की है उसको भी पार्टी चाहती है कि उनके उस बात को सुना जाए, उनकी समस्या को सुना जाए और उनके जो सही समस्या है उसका निवारण करे सरकार और जो सरकार के बैठे लोग हैं। अगर इस तरह की कवायद नहीं की जाती तो बीजेपी को भी ये पता है कि आने वाला जो 22 का इलेक्शन है वो कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। जिस तरह से अभी पंचायत के चुनाव हुए उसमें जिस तरह से परिणाम निकले वो बीजेपी के लिए संतोषजनक नहीं है कि जिस तरह से पार्टी को कई जगह पंचायत चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। तो ये माना जाता है कि अगर आप प्राइमरी स्टेज पे और ग्रामीण स्तर में आप मजबूती नहीं है, पार्टी की मजबूती नहीं है, तो पार्टी के लिए चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं मुसीबत जरूर है। जी बिल्कुल, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया उमेश, और लगातार लखनऊ से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल के साथ ही साथ प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और साथ ही साथ बीएल संतोष बैठकों का दौर शुरू कर चुके हैं, पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि यूपी में लगातार 2022 को लेकर मंथन जारी है, कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, संगठन को मजबूत करने के साथ ही साथ